ना तो ये यूपी वाले बाबा का बुलडोजर है और ना ही एमपी वाले मामा का। ये बुलडोजर है राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। गहलोत का बुलडोजर भी अब तक कई अपराधियों पर कहर बरपा चुका है, फिर चाहे वो पेपर लीक मामला हो या एसओजी की सस्पेंडेड एएसपी दिव्या मित्तल के रिसॉर्ट पर बुलडोजर चलाने का मामला। लेकिन इस बार बुलडोजर ये कहर बरपा रहा है हिस्ट्री शीटर राहुल मीणा के अवैध कब्जे पर। जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ने जेडीए के साथ मिलकर विद्यानगर थाने के हिस्ट्री शीटर का सालों पुराने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवा दिया। बताया जा रहा है बदमाश राहुल मीणा ने सरकारी जमीन पर कई सालों से ढाबा और दुकान बना रखी थी। जेडीए की टीम ने आज कार्यवाही करते हुए सभी को जमींदोज करते हुए सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। राहुल मीणा जयपुर के विद्यानगर थाने का हिस्ट्री शीटर है और हार्डकोर अपराधी भी। उसके खिलाफ अलग अलग धाराओं में कई मामले दर्ज हैं। इसके चलते उसे पिछले दिनों राजपाट एक्ट के तहत एक साल के लिए निरुद्ध भी किया गया है। हार्डकोर बदमाशों की अवैध संपत्ति पर कार्यवाही के लिए चलाए जा रहे पुलिस के अभियान के तहत जीडीपी जयपुर ने इस कार्यवाही की योजना बनाई थी और जेडीए को पत्र लिखा था। जेडीए के अनुसार स्वर्ण जयंती गार्डन के पीछे जेडीए की जमीन पर कब्जा कर अवैध व्यवसायिक निर्माण को लेकर अतिक्रमणकारियों को 26 जुलाई 2021 को नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी कर 7 जून 2023 को भी नोटिस दिया गया, लेकिन राहुल मीणा और उसके भाई ने अतिक्रमण नहीं हटाया। पुलिस ने बदमाशों की अवैध संपत्ति पर जारी ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत कार्यवाही के लिए पुलिस डीजीपी राशि डोंगर डूंडी ने 8 जुलाई 2023 को जेडीए को पत्र लिखा था। इस पर कार्यवाही करते हुए जेडीए ने आज राहुल मीणा के अवैध जमीन पर बने रेस्टोरेंट को ध्वस्त कर दिया। आमजन में विश्वास और अपराधियों में खौफ के ध्येय वाली राजस्थान पुलिस की फाइलों में करीब 12,000 हिस्ट्री शीटर के अपराध दर्ज हैं। अब पुलिस इन हिस्ट्री शीटर्स की संपत्ति की कुंडली भी तैयार करवा रही है। इनमें से 5,000 से ज्यादा हिस्ट्री शीटर की संपत्तियों की जानकारी पुलिस ने इकट्ठा कर ली है। बाकी अपराधियों की भी संपत्ति की जानकारी जुटाई जा रही है। इन सभी अपराधियों पर आर्थिक चोट करने के लिए उनकी अवैध संपत्तियों पर ध्वस्त करने की तैयारी पुलिस ने कर रखी है।